हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन दिस वीडियो ऑफ एलिप्स आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड सो द पैरामेट्रिक पॉइंट पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है और पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होता है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस सो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ एलिप्स अब इस एलिप्स में अगर मुझे एक पॉइंट लेना है इन वन सिंगल दैट इज कॉल्ड पैरामीटर सो हाउ डू आई डू दिस सो आई कैन से कि भाई X को मान लेता हूं अल्फा तो वाई का वैल्यू हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का रूट डजन लुक्स गुड दो इट इज ओके परफेक्टली ऑल राइट बस यहां प्लस माइनस लगाना पड़ेगा और थोड़े और चेंजेस कर सकते हैं विल फाइंड सो मेनी थिंग्स बट

आप पहले वाले को साइन दूसरे वाले को कॉस भी ले सकते थे बट दिस इज फॉर सम रीजन वो अभी बाद में आएगा सो आई कैन सेक्वल टू ए कॉस्थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा विल बी अ पैरा इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स सो दिस इज द पैरा इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड सो द पैरामेट्रिक पॉइंट विल बी ए कोस थीटा कोमा ए साइन थीटा को स्थीटा कॉम है ए साइन थीटा पैरामीट्रिक पॉइंट हो गया और एक्स इक्वल टू एस थीटा इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन होगा स्टैंडर्ड एलिप्स अब एक्चुअल में काफी कुछ और सीखने को है इसमें नाउ वॉट इज दिस थीटा यह थीटा है क्या दैट आई एम गोइंग टू टेली सपोज देर इज अ सर्कल विथ मेजर एक्सिस एज डायमीटर विथ मेजर एक्सिस एज डायमीटर एंड दैट इज कॉल्ड ऑग्जिलरी सॉर्कल हिंदी में से सहायक वृत्त बोलते हैं डेट्स ओके ऑग्जिलरी सॉर्कल बोलते हैं दिस इज कॉल्ड ऑगजरी सॉर्कल विच इज य कॉन्सेंट्रिक विद एलिप्स एंड मेजर एक्सेस एज डायमीटर तो मेजर एक्सेस को डायमीटर मान के सर्कल बना सकते हैं और सिंपली वी कैन से कि सर्कल

अगर ए लेस देन बी हो गया तो वर्टिकल वाला केस आ जाएगा और वर्टिकल वाले केस में मेजर एक्सिस वर्टिकल हो गया उसको डायमीटर मान के सर्कल बनाएंगे तो दैट विल बी एक्स स्क्स वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बिकॉज द बेसिक आइडिया वॉज इंटरचेंज एक्स एंड वाई कोई फर्क नहीं पड़ा इंटरचेंज ए एंड बी सी इन दिस केस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ना एफ आई से कि थीटा एंगल पे एक पॉइंट है सो दिस पॉइंट विल बी व्हाट? सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ए कोमा ए साइन थीटा दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी ए थीटा कॉमा ए साइन थीटा सर्कल आपको आता है और सर्कल में ओरिजिन अगर सेंटर है तो जीरो प्लस आर कोश थीटा जीरो प्लस आर साइन थीटा ना आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया नाउ, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट ये पॉइंट होगा ए कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है बिकॉज वर्टिकल लाइन है वाई क्या होगा सो वाई आई एम गोइंग टू डू हिट ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई दैट गिव्स मी y square by b square is 1 minus cos square matlab sine square theta. So y square is b square sine square theta. So y will be plus minus b sine theta. So this is actually b sine theta. This is actually b sine theta. That's it. See, this is what matching here. ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा इसलिए मैंने कॉस साइन लिया है साइन कॉस नहीं लिया तो ये तो उधर से कहानी हो गई सीधे तरीके से कहानी अगर देखें तो आई विल से कि अगर एलिप्स का कोई पॉइंट है सपोज दिस पॉइंट तो इसका थीटा क्या होगा थीटा विल बी पहले आपको एक ऑक्जिलरी सर्कल बनाना पड़ेगा से दिस पॉइंट को आप मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जब ऑक्जिलरी सर्कल पे जाओगे तो वो पी डाश होगा इस पी डैश को सेंटर से ज्वाइन करके ये जो एंगल मिलेगा दिस एंगल विल बी थीटा पॉइंट क्या है ये पॉइंट पी एस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा बट यूजुअल मिस्टेक क्या होती है हम बोलते हैं भाई यही वाला एंगल थीटा है। नो दिस एंगल इज नॉट थीटा उसके करेस्पोंडिंग जो पॉइंट ऑक्जरी सर्कल पे होता है उसको सेंटर से ज्वाइन करने से देन यू गेट द एंगल थीटा दैट इज द होल आइडिया तो पॉइंट को सीधा सेंटर से ज्वाइन करोगे तो यू विल नॉट गेट दैट एंगल थीटा उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ ऑक्जिलरी सर्कल वेन ज्वाइंट सेंटर विल गिव यू एक्चुअली थीटा सो दैट इज़ द होल अबाउट दिस पैरामीट्रिक पॉइंट सर्कल एंड एक्चुअली द पैरामीटर पैरामीटर बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आना चाहिए कि वो पैरामीटर ओपी वाला एंगल नहीं होता है ओपी डैश वाला एंगल होता है ओपी वाला एंगल थीटा नहीं है इफ आई ड्रॉ यू दिस एंगल थीटा एंगल थीटा कौन सा होगा इसके कर इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ है तो ये तो वाला पॉइंट आएगा इधर है तो ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एंगल तो स्टैंडर्ड है हमेशा विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन सो दैट इज समिंग टिपिकल ऑफ एलिप्स दिस पैरामीटर यह जो पैरामीटर थीटा है दिस इज ऑल्सो कोल्ड एसेंट्रिक एंगल वेर दिस थीटा इज कोल्ड पैरामीटर एंड इट इज ऑल्सो कोल्ड एसेंट्रिक एंगल ट्रिक इक्वेशन तो वैसे भी वीन हो दैट इट इज नॉट गोइंग टू यूज एनी वेर बट पैरामेट्रिक पॉइंट आर ऑलवेज वेरी यूजफुल पैरा बोला में तो आपने देखा सब कुछ हमने पैरा मेट्रिक फॉर्म में ही किया इन एलिप्स एवरीथिंग इज डन इन नॉट एवरीथिंग बट मोस्टली वी डील विन डील इन पैरा मेट्रिक पॉइंट ओनली